नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। विकासखंड शाखा जनपद इटावा के कस्बा उतराहार के ग्राम नगला गंगे में नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर दुष्कर्म करने ले जा रहा था। ग्रामीणों ने देख युवक को पकड़ा। ग्राम नगला गंगे में राजू जाटव ब्रह्मपाल ग्राम नगला गंगे के निवासी हैं, जो एक 10 वर्षीय की नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर दुष्कर्म करने के लिए ले जा रहा था। 10 वर्षीय की बेटी घास लेकर आ रही थी, तभी राजू जाटव पुत्र ब्रह्मपाल मेरी बेटी को बहला फुसला कर बाजरे के खेत में ले जा रहा था। ग्रामीणों की दो महिलाओं ने देख लिया, लड़की बार बार बाल बाल बची, युवक को पकड़ लिया और पुलिस को दे दिया। लड़की के पिताजी का कहना है कि इस पापी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। गौरव शाक्य की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई आपके यहाँ? वो लड़की थी पीछे, वो लड़का ना हाथ पकड़ के खींच रहा था उसको। आपने देखा था? हाँ देखा था मैंने। अच्छा, कितने टाइम पे? टाइम तो नहीं मैंने देखा, दिन छुप रहा था। अच्छा ठीक। क्या नाम है बेटी आपका? देवी। क्या घटना हुई है? थोड़े ऊंचे आवाज में बोलो। बाजरा गाय ले जाते तुम्हारे पापा तो फोन बात कर रहे हैं। अच्छा, बाजरा गाय ले जाते कौन था? वे चिकना न किया थे। कितना टाइम हुआ अभी? क्या नाम है आपका? चुप रहा रहे हैं। तुम मम्मी हो, तुम बताओ। क्या नाम है आपका? चंद्रवती। तो क्या घटना हुई है? मेरी बच्ची घास लेके आ रही थी। अच्छा। राजीव नाम का लड़का था, उसने मेरी बच्ची का हाथ पकड़ के ले जा रहा था खींच के। अच्छा। हाँ, और दो महिलाओं ने देख लिया, ये चिल्लाती उसने देखा तब उसने छोड़ दिया। और जब कह रहे थे तुम्हारे पापा से बात कराएंगे, चलो उधर चलो पास तुम्हारे पापा से बात कराएंगे। पुलिस को सूचना दी? हाँ। अच्छा, पुलिस आई थी? हाँ। क्या ठीक। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।